लवली वेकर्स, तो ये आधा किलो का केक था। हमेशा आपको बोलती हूँ ना, आप जितनी बार भी केक बनाए टूथपिक लगा करके इसको चेक कीजिए, देखिए मेरी गलती का नतीजा। क्यों बोलती हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि केक, मतलब मुझे लगा कि जितना टाइम दी थी केक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कैसे नहीं हुआ था बेक, मतलब टाइम इधर उधर हो गया था या फिर थोड़ा सा कच्चा रह गया था। तो जो थोड़ा सा कच्चा रह गया था ना, बीच में से वो श्रिंक हो गया था, इसीलिए मुझे केक को मैं एक दिन बाद देखी, मतलब थोड़ा सा काम में बिजी हो गई थी, तो ये मिडिल से दब कर देखिए कैसा हो गया था। तो ये केक कोई भी कस्टमर के लिए नहीं बना रही हूँ, ये सिर्फ घर के लिए ही बना रही हूँ। और देखिए, तो थोड़ा सा दब गया था, घर में भी केक चाहिए था एक, तो इसीलिए सोची कि इसको बना लूँ, नहीं तो फिर ये घर में ऐसे ही खा लेते। इस तरह की केक ना कस्टमर को मैं नहीं देती, क्योंकि अगर हम एक बार दे देंगे कितना प्रॉफिट देखने के लिए, 50 रुपया, मतलब हमारा लॉस आ जाएगा। लेकिन दे देंगे तो वो नेक्स्ट टाइम कस्टमर नहीं लेगा ना, इसीलिए मैं नहीं देती। तो ये केक मुझे घर के लिए बनाना था, तो ओकेज़न था घर में इसीलिए, बर्थडे का। तो देखिए, मैं सोची कि हैट केक बना लूँ, तो मेरे पास राउंड का केक बोर्ड नहीं था, स्क्वायर को मैं कट करके राउंड बनाई हूँ, तो मिडिल में मैं रखी हूँ। और जब भी आप बनाएंगे हैट केक ना, राउंड का ही बनाइए, क्योंकि हैट का शेप उसी तरह आता होता है। और आधा किलो की केक अगर बना रहे हैं ना, तो 1 किलो का बेस लीजिए, तो ये हैट का शेप अच्छी तरीके से दिखाई देगा। और ये जो सिरप मैं यूज़ कर रही हूँ, उस दिन बोली थी ना मैं घर में बनाई थी रसमलाई की केक, तो थोड़ा सा सिरप उस दिन बच गया था, ज़्यादा बना ली थी, तो उसको मैं लेयरिंग में यूज़ कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी उसमें थोड़ा सा था, आप देख सकते हैं निकल रहा है। और स्ट्रॉबेरी का क्रस लगा रही हूँ, ये फ्लेवर भी ना बहुत ही अलग सा निकल के आया, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स थोड़ा सा था और स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर लगाई, क्रस लगाई, उसके साथ साथ दूध का जो मिक्स था ना वो यूज़ की थी। तो इस तरह करके 3 लेयर कर ली, और थोड़ा सा टूटा फूटा हुआ था तो वो एडजस्ट हो गया, घर के लिए था इसीलिए। और चारों तरफ भी क्रीम लगा रही हूँ, और मुझे ये थोड़ा सा मैं चारों तरफ अच्छी तरीके से देखिए लगा रही हूँ, स्क्रैपर लगा करके घुमा करके इसको फिनिशिंग दे रही हूँ जैसे देना है। और ऊपर का हैट पूरा तो थोड़ा सा मतलब नीचे की तरफ डाउन होता है, कोई कोई का पूरा राउंड शेप का होता है, लेकिन ये जो मैं ली थी, मेरा ये नॉर्मल आधा किलो का केक था। मैं जब बनाई ना, वो ऊपर वाला डोम पार्ट मुझे ऊपर की तरफ करके देना था, ताकि ये पूरा राउंड का आता, जिस तरह राउंड शेप का केक बनता। तो मुझे याद नहीं था, मैं टर्न करके दे दी, तो ये फिर भी जिस तरह हैट मतलब होता है, गूगल में बहुत सारे सर्च की थी फोटोग्राफ्स, तो इस तरह के भी हैट केक्स होती है, तो इसीलिए इस शेप का मैं बना ली। और थोड़ा सा स्क्रैपर को आप पहले देख सकते हैं घुमा करके, ऊपर का मैं पूरा सार पेजेस नहीं देके थोड़ा सा कर्नर को उसको निकाल ली और राउंड कर ली। और अभी बोर्ड में लगा रही हूँ क्रीम, ताकि ये पूरा उसके साथ मैच करे। आप पाइपिंग बैग यूज़ करके लगा सकते हैं, पाइपिंग बैग यूज़ करके लगाने से जल्दी होगा, लेकिन पाइपिंग बैग गुम हो गया था, मिल नहीं रहा था, इसीलिए मैं पैलेट नाइफ से लगा करके इसको स्क्रैपर से फिनिशिंग कर दी। फिर डेकोरेशन करने के लिए सोची कुछ अलग बनाओ, जिस तरह की रिवंस हैट में नीचे नीचे की तरफ झुका हुआ होता है ना, सोची कि बिल्कुल उसी तरह बनाओ। ये रिबन जो है ना नॉन एडिबल है, लेकिन ये डेकोरेशन वगैरह में केक में यूज होता है। और इसको अच्छी तरीके से क्लीन करके फिर चारों तरफ जित बॉर्डर नीचे की तरफ जहाँ है वहाँ पर मैं लगा रही हूँ। और थोड़ा सा भी शेप में देखिए उसको फोल्ड करके कट कर रही हूँ 2 पीसेस को, ताकि उसको जो होता है ना नीचे की तरफ हैट का दो निकलता है हैट में जब रिबन लगा हुआ होता है, इस तरह की होता है ना लड़कियों वाली रिबन में, तो सोची इस तरह बनाऊं। और ये जो था केक, मैं सोची कि पूरा सिंपल वाला बनाऊंगी, और इसके लिए मैं वो R11 का नोजल ली हूँ। और देखिए, रोजेस नहीं बनता है मुझसे, आप लोग बहुत बार बोलते हो, तो ये जो रोज बनाई थी ना R11 से बहुत अच्छी रोज बनी थी, और मुझे तो अच्छा लगा। इसके ऊपर थोड़ा सा रेड स्प्रे कर दी, और कल का बचा हुआ 2 रोज फ्रीज में था, कुछ डेकोरेशन के लिए बनाई थी, तो वो भी यूज़ दो कर रही हूँ। 3 रोजेस मैं यहाँ पर लगाऊंगी, और थोड़ा सा क्रीम लगा करके ही मुझे रखना था, और ये मुझे रखने के लिए बहुत परेशानी हो गई, क्योंकि मैं पहले से क्रीम नहीं लगाई थी, लेकिन ये कल का रोज था तो ये मेरे हाथ से गिर भी गया ना, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो पहले से रोज बना कर का फायदा ये होता है कि रखने का, ये बच गया था इसीलिए मैं यूज़ कर ली, मेरा इरादा नहीं था कि बना करके रख लूँ। और ये फायदा होता है कि गिरेगा ना फिर भी अपनी शेप में रहेगा, अपनी शेप पकड़ कर रखेगी,
तो इसीलिए मतलब पहले से अगर क्रीम लेफ्टओवर रह जाता है ना, प्रोजेस वगैरह बना कर भी रख लेंगे ना, तो आपका इमरजेंसी ऑर्डर आएगा ना, तब भी ये काम कर जाएगा। तो देखिए दो रिबन नीचे निकला है और तीन में फ्लावर बना ली। मुझे तो ये हार्ट मतलब अच्छा लगा, सबको भी अच्छा लगा। और देखिए रिबन में थोड़ा सा क्रीम लग गया मेरे गलती के वजह से, जब रोज प्लेस कर रही थी, तो इसीलिए इसको एक टॉवल लेकर के क्लीन कर रही हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और बहुत शेयर कीजिए। नॉर्मल हम क्रीम से बनाए हैं, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डेकोरेटिव्स यूज़ नहीं हुआ है ज़्यादा, तो इसकी प्राइसिंग आप नॉर्मल जितना हाफ केजी का केक है ना उतना आप ले सकते हैं। और सिंपल है, सुंदर लग रहा था, इतने में ही सुंदर था। फिर एक नेट में एक गूगल में सर्च करने के बाद मुझे इस तरह की एक लगी कि मतलब एक था मुझे अच्छा दिखा। और हैट में ऊपर की तरफ इस तरह की वायर्स भी मतलब होती है, देखी थी, मतलब वो फोटो मुझे लगा कि हाँ वो रियलिस्टिक था, तो इसीलिए सोची मैं भी इस तरह कर लेती हूँ। करने के बाद लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा कि मतलब पहले जब सिंपल था तो अच्छा था, सिर्फ गोल्डन स्प्रिंकल कर देने से, ये स्प्रिंकल आर्ट कर देने से ऊपर ठीक लगता, लेकिन इस तरह कर दी फिर इसको तो हटा नहीं सकती थी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जब प्लेन था अच्छा लग रहा था कि फिर इसके ऊपर ये जो अभी पैटर्न बनाई पतला सा पाइपिंग बैग में उस तरह का था। और हाँ, व्हिपिंग क्रीम में मैं थोड़ा सा रेड कलर ऐड की हूँ, कलर ऐड करके ये पीच कलर का इसकी शेड दी हूँ और गोल्डन स्प्रिंकल अभी इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए, जब प्लेन था अच्छा लग रहा था या फिर इस तरह के पैटर्न बनाने से अच्छा लग रहा था। तो आपका सपोर्ट इस तरह दिखाते रहिए, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए थैंक यू सो मच। और आप सब लोग के लिए बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।